Good morning, student. Today, I am going to start our fifth lecture for class 9th subject chemistry. In the fourth lecture, and we can say that in the last lecture, I was taught about the concentration of solution and also the numerical based on the concentration of solution. Today, I am going to talk about the topic your suspension. After solution, today I am going to talk about suspension. Here, what is suspension? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुछ पदार्थ जल में घुल करके विलयन का निर्माण करते हैं, सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं. जैसे नमक और जल का विलयन, चीनी और जल का विलयन, स्टार्च, चीनी और जल का विलयन, और वी कैन से दैट ग्लूकोज एंड और ग्लूकोज और जल का विलयन. बट सम सब्सटेंस, लेकिन कुछ पदार्थ जो होते हैं उन्हें जब हम लोग जल में पानी में मिलाते हैं तो वो नहीं घुलते. जो पदार्थ जल में नहीं घुलता है वह जल में वह पदार्थ जल में दो रूपों में रहता है. इट मीन्स सॉल्यूट पार्टिकल और वाटर. एज वी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अदर सब्सटेंसेस, जस्ट आई हैव सेड द सॉल्यूशन ऑफ sugar in water, solution of common salt and water, and water jal ke alawa other liquid jaise iodine hamara ethyl alcohol mein soluble hota hai, jise hum log tincture of iodine kehte hain. yahan par iodine jo hai solid ke roop mein paya jata hai aur ethyl alcohol hamara liquid ke roop mein paya jata hai. parantu kuch padarth jo hote hain वो जल में नहीं घुलते हैं. तो वैसे वे पदार्थ जो जल में नहीं घुलते हैं वे जल में दो फेज के रूप में रहते हैं, एक सॉल्यूट पार्टिकल और दूसरा सॉल्वेंट पार्टिकल के रूप में वो रहते हैं. और वे पदार्थ जो जल में नहीं घुलते हैं वैसे सॉल्यूशन को हम लोग सस्पेंशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, सॉइल एंड वाटर, द मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर, द मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर एंड वाटर, द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, द मिक्सचर ऑफ और वी कैन से दैट पॉन्ड्स मडी वाटर, रेनी वाटर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन. So here, on the basis of this example, we can define the suspension. Suspension एक heterogeneous mixture होता है. जैसे बालू और पानी का जो हम लोग मिक्सचर लेते हैं उसमें बालू नीचे बैठ जाता है जिस कंटेनर, जैसे मान लीजिए कि एक बीकर में पानी और बालू का मिक्सचर लिया गया तो बालू बीकर के पेंदी में बॉटम में बैठ जाता है और पानी का ऊपर एक लेयर होता है. तो पानी का लेयर ऊपर पतला है, नीचे बालू बैठ गया है. तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं. इसमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जांपल वी आर गोइंग टू डिफाइन द सस्पेंशन. सस्पेंशन क्या है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर. इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम इज सेड टू बी सस्पेंशन.
For example, Pond's muddy water, mixture of chalk powder and water, mixture of sand and water, these are the example of our suspension. Now I am coming on the properties of suspension. First property is that it is heterogeneous mixture. हमारा सस्पेंशन जो होता है वह एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है. सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सस्पेंशन बिगर देन 10^-7 मीटर इन डायमीटर. थर्ड प्रॉपर्टी द सॉल्यूट पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय यूजिंग I, or we can say that the solute particle of suspension can be seen the solute particle of suspension can be seen by naked eye. The fourth property is that the particle of suspension scatter a beam of light then passes through it and the path of light is visible. जब सस्पेंशन से किसी लाइट को हम लोग किसी बीकर में सस्पेंशन को लेकर के उसकी एक साइड से हम लोग टॉर्च को बांटते हैं तो अदर फ्रंट साइड से देखने पर लाइट के पाथ जो है वो दिखाई देते हैं. क्योंकि सॉल्यूट जो पार्टिकल होता है सस्पेंशन में वह लाइट के पार्टिकल को स्कैटर कर देता है जिसके वजह से पाथ ऑफ लाइट जो है वो विजिबल होता है. द लास्ट प्रॉपर्टी इज द सॉल्यूट पार्टिकल और वी कैन से दैट द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. हेंस वी कैन से दैट सस्पेंशन इज अनस्टेबल. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन. Now I am coming on the next topic, our colloidal solution. Colloidal solution. कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन. व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन और वी कैन से दैट कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन. कोलाइड हम लोग कहें अथवा कोलाइडल सॉल्यूशन बोथ आर सेम थिंग. Here our Graham, हमारे ग्रहम एक वैज्ञानिक थे साइंटिस्ट. एज आवर ग्रहम क्लासिफाइड द मैटर इन टू टाइप क्रिस्टोलॉयड और कोलाइड. ग्रहम ने पदार्थ को दो श्रेणियों में बांटा क्रिस्टोलॉयड और कोलाइड. द फर्स्ट टाइप इज क्रिस्टोलॉयड एंड द सेकेंड टाइप इज आवर कोलाइड. Or we can say that colloidal solution. What is crystalloid? As per Graham, Graham के अनुसार crystalloid वे पदार्थ हैं जो कि crystal के रूप में पाए जाते हैं, दाने दाने के रूप में पाए जाते हैं, छोटे छोटे दाने के रूप में पाए जाते हैं और जिनका water में solution, it means जिनका water solution animal membrane से cross कर जाता है, एनिमल मेम्ब्रेन से होकर के पास कर जाता है, वैसे पदार्थ को क्रिस्टोलॉयड कहते हैं. और वे पदार्थ और दूसरे श्रेणी में आने वाले जो पदार्थ हैं वे दूसरे सेकंड क्लास में और वी कैन से दैट दूसरे श्रेणी में आने वाले जो पदार्थ हैं वे पदार्थ जिनका सॉल्यूशन एनिमल मेम्ब्रेन, वे पदार्थ जो कि
क्रिस्टल के रूप में क्रिस्टल कोलाइड वे पदार्थ हैं जो कि क्रिस्टल के रूप में नहीं पाए जाते हैं, छोटे छोटे दाने के रूप में नहीं पाए जाते हैं, और जिनका सॉल्यूशन, जिनका वाटर सॉल्यूशन एनिमल मेम्ब्रेन से आसानी से होकर के क्रॉस नहीं करता है, उसे हम लोग कोलाइड्स कहते हैं। इट मीन्स वे पदार्थ जिनका वाटर सॉल्यूशन या जिनका सॉल्यूशन एनिमल मेम्ब्रेन से आसानी से होकर पास नहीं करता है, वैसे पदार्थ को हम लोग कोलाइड्स कहते हैं। हियर द कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइड्स में हमारा जो है वो गोंद आता है, गम है, स्टार्च है, मिल्क है, ब्लड है, सोप सॉल्यूशन है, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सो हियर आवर कोलाइडल सॉल्यूशन हैज टू पार्ट। एज इन सॉल्यूशन आई वाज सेड दैट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सिमिलरली इन कोलाइडल सॉल्यूशन डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्शन मीडियम इज इक्वल टू कोलाइडल सॉल्यूशन। जिस तरह से सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, ठीक उसी प्रकार इन सॉल्यूशन आई वाज सेड दैट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सिमिलरली इन कोलाइडल सॉल्यूशन डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्शन मीडियम इज इक्वल टू कोलाइडल सॉल्यूशन। डिस्पर्स्ड फेज, व्हाट इज डिस्पर्स्ड फेज एंड व्हाट इज डिस्पर्शन मीडियम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट इट। Dispersed phase is similar to our solute substance as we consider in solution, and dispersion medium is our solvent component. Our colloidal solution has two component, dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase is that phase. Dispersed phase is similar to solute component which is present in lesser amount, and dispersion medium is similar to solvent component which is present in large amount. It means dispersed phase is such phase, in which solute substance is present in lesser amount, and dispersion medium in which the medium, it means dispersion medium is the medium in which our dispersed phase is suspended, or we can say that spread. It means dispersion medium is the just like our solvent component. So we can define the colloidal solution or colloid in this way. Our colloidal solution dekhne mein hamara homogeneous lagta hai, but it is quite heterogeneous. Jaise doodh ko hum log dekh karke kabhi nahi keh sakte hain, milk ko dekh karke hum log kabhi nahi keh sakte hain ki yeh homogeneous mixture nahi hai, parantu our milk is heterogeneous mixture, because as we know that our milk is containing protein, fats, calcium and water. On the basis of analysis, their analysis of the milk, we cannot find it the similar percentage of fat, protein, calcium and water in equal, in similar volume of milk. That is the reason that our colloidal solution is quite heterogeneous. It means हम लोग कहेंगे कि colloidal solution जो है वो heterogeneous mixture है. It means colloidal solution, we can finally define the colloidal solution. It is the heterogeneous mixture, or we can say that we can define the colloidal solution in this way.
the heterogeneous mixture of dispersed phase and dispersion medium is said to be colloidal solution. Heterogeneous mixture of dispersed phase and dispersion medium. The heterogeneous mixture of dispersed phase and dispersion medium is known as is called colloidal solution or colloids. Example, milk, blood, office space, food space, starch solution, etc. It means we can say that this first stage plus dispersion medium is equal to colloidal solution. It means the heterogeneous mixture of dispersed phase and dispersion medium is known as, or we can say that it's called colloidal solution. Our following are the example of colloidal solution: milk, blood, office paste, जिसको हम लोग gum कहते हैं, बूंद कहते हैं, toothpaste, है ना, starch solution. These are the example of colloidal solution. Now I am coming on the properties of colloidal solution. The first property of colloidal solution is that it is heterogeneous mixture. The second property of colloidal solution is that the size of colloidal particle is between 10 to the power minus 9 meter to 10 to the power minus 7 meter in a diameter. The third, the colloidal particle cannot be seen with naked eye. The fourth property, the colloidal solution scatter a beam of light passes through it and the path of light is visible. Hence, path of light is visible. The fifth property is that when colloidal solution is left undisturbed, the colloidal particle do not settle at the bottom of the container. Hence, we can say that colloidal solution is stable. The last sixth property of the colloidal solution is that our colloidal solution in which the colloidal particle cannot be separated by the process of filtration. These are the property of colloidal solution. Now today our class is going to finish. Thank you. Dhanyawad.